वेलकम टू सुपर गाइड्स। और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं कि आप घर पे कैसे बढ़िया पास्ता जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? तो सबसे पहले आपको स्प्रिंग ओनियंस, गार्लिक के कुछ पीसीज, इसके अलावा जिंजर का एक स्मॉल कोई सा पीस ले लीजिए, ज़्यादा हमें बड़ा पीस की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा चिली चाहिए हमें, कैप्सिकम, टमाटो, ओनियन। इसके अलावा आप कोई भी अदर जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैरेट्स, पीस वगैरह हो गया, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पीसीज में बात करें तो मसालों में हमें नमक आपका स्वाद अनुसार चाहिए, फिर आपको गर्म मसाला थोड़ा सा, और आप मार्केट में आपको ये पास्ता मसाला बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लस हमें क्या कहते हैं चाहिए होगा, टमाटो सूप, जिससे हम थोड़ा थिक ग्रेवी टाइप मतलब सॉसेस बनाएंगे पास्ता की। तो हमने, आप देख सकते हैं, हमने सारी वेजिटेबल्स पहले से ही कट करके रख रखे हैं, तो आपको सारी वेजिटेबल्स फाइनली चॉप करके एक साथ रख सकते हैं। इसके अलावा आपको पास्ता चाहिए होगा, पास्ता का आप कोई सा ही वेरिएंट यूज़ कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि मैंने मतलब कौन सा वैरायटी जो पास्ता का यूज़ किया है। ठीक है, और पास्ता बॉईल करते टाइम आप ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि उसके अंदर आप ऑयल ज़रूर मिक्स कर दें, ताकि पास्ता जो है आपस में स्टिकी ना बन सके, और साथ में आप थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दें। बॉईल होने के बाद पास्ता को आप अगर ठंडे पानी से अगर एक बार वॉश कर देंगे तो उससे पास्ता जो होंगे आपस में चिपकेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कढ़ाई में ऑयल गरम करना होगा। ठीक है, मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करें। अगर आप रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ऑयल को गर्म होने दें। सबसे पहले वो आपको ओनियन और गार्लिक और इसके अलावा जिंजर, इन सबको आप तेल में डाल के हल्का लाइट ब्राउन कर लें। इसके बाद फिर बाकी जितने भी हमारी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसको आप ऐड कर लें। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस लाइटली उसे ब्राउन करना है। वेजिटेबल्स को थोड़ा फ्राई होने दें उनको, जब तक उनके अंदर थोड़ा सा क्रिस्पीपन नहीं आ जाता, थोड़ा उसको हम फ्राई करेंगे। जब वेजिटेबल्स आपके फ्राई हो जाएं तो आप इसके अंदर फिर आप टमाटो ऐड कर सकते हैं। टमाटो को भी हल्का फ्राई होने दें। जैसे ही आपके टमाटो हल्के फ्राई होने लगेंगे, वो लाइटली कुक हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे वेजिटेबल्स जो हैं वो कुक हो चुके हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें वेजिटेबल्स जो हैं वो ओवर कुक नहीं करने हैं, वरना जो टेस्ट है वो वेजिटेबल्स का, वो रियल टेस्ट जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब जब हमारी वेजिटेबल्स सारी कुक हो चुकी हैं तो हम इसके अंदर पास्ता और बाकी जो हमारे मसाले हैं, जो भी स्पीसीज हैं, वो हम इसके अंदर मिला सकते हैं।
देखिए हमने इसके अंदर पास्ता और सारे मसाले मिला दिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और अगर पास्ता थोड़े से स्लाइटली अगर चिपकने लगे तो आप थोड़ा और ऑयल ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए पास्ता हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके सॉस बनाने के लिए, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉस बना सकते हैं। अगर आपको रेड सॉस चाहिए तो आप टमाटो सूप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पास्ता वाइट सॉस के साथ पसंद है तो आप कोई से भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंगली आप जो है पास्ता के सॉसेज तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी है। तो हम जो आज बना रहे हैं पास्ता वो विद रेड सॉस बना रहे हैं, तो इसलिए हम उसके रेड सॉस के लिए हम टमाटो सूप यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हमने टमाटो सूप ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हैं थिक ग्रेवी अपने आप जो है सॉस तैयार होने लग गई है। जब ये थोड़ी थिक हो जाए तो आप इसको फिर सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए आप फिर कोरिएंडर या फिर कोई और थोड़ा सा इसके ऊपर आप चाट मसाला भी थोड़ा सा आप इसके अंदर स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा यूनिक टेस्ट इसके अंदर आ जाता है। हम थोड़ा ग्रेवी इसको सॉस को थोड़ा हम थिक होने के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास्ता जो बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं, और वो अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, ठीक है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। हम ऐसे ही नई होममेड रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है, जिसे घर पे बनाना बहुत ही आसान और हेल्दी कुकिंग जिसे कहते हैं हम, वो घर पे ही बन सकती है, ठीक है। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।